जद करो या फिर मरो, तो असं उस तरह देखते हैं, जो फिर सानू इतों हक लेके जावे या फिर मर के जावे। सो साडे बजुर्गों तो सानू सीखने मिल रहा है। घरे की कह के आए? घरे ही कह के आए कि संघर्ष में हिस्सा पा जा रहे हैं तो जित के आवेंगे। मोदी जद करता कारपुर घराणिया की कठपुतली बनया आ, उन्होंने को बिकया है, इस करके आ जन जन की जी आवाज है सुनती नहीं। हले तीन पीढ़ियाँ अपने आगाज कर रही, बाबा पोता बाप, वो सानू लगता भी ये जित यकीनी आ क्योंकि अं सबर के संदोख के नाल लगे हुए हैं, इस करके सानू विश्वास है अपने परमात्मा से भी असी जित के जावे। इतों इसे ही धरती की हिक तो इनकलाब उठता है, इतिहास बदल जाता है जदों पंजाब उठता है। कहते भी इतिहास बदलन जा रहा है, पंजाब उठा है, पंजाब ने अगवाई की, किसान अज दिल्ली पहुँचे हुए ने, दिल्ली नू घेर के खड़े किसानों की मंग मनवाउण दे लई लोग लगातार पहुँच रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हरजोत कौर। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ है ना, सब सेवा करेगा। इतिहास बदल जाता जो पंजाब उठता है, इतिहास बदलेगा, पंजाब उठ जाएगा। ये तो जी हम वाहेगुरु जी जानते हैं। बिल्कुल उठूगा, बिल्कुल उठूगा, क्योंकि जो पंजाब उठता लहर पंजाब तो जो चल दिया ना, वो फिर मतलब सारे इंडिया के फैल दियाँ, और पहले तो ही इतने उठ के गई जिन्ने शहीद होए आ, उन्होंने चो 93 शहीद साढ़े से फांसी जन लगी आ, उस तो बाद जिन्हें भी कैदी हुए उन्होंने चो साढ़े 2% हिस्सा आया सिखा का, लेकिन फिर भी साड़िया कुर्बानियाँ घट्टो घट ने 60-70% 80% साड़िया कुर्बानियाँ। इस करके इस सार ये आ भी जो पंजाब उठता है तो लहर फिर फैल दया और सफल होंदिया। सत श्री अकाल, की नाम? राजदीप कौर। की कहने हो अज पहुंचे हो इत्थे, किसानां च एकता देखिया हैगा? हाँ जी। की लग्या तुहानूं? किसानां च एकता, हर एक किसान अपने हक लई लड़ रहा है, सारे किसान एकता का प्रमाण दे रहे हैं, बहुत वधिया लग रहा है। लगता है भी जित पक्की हैगी? हाँ जी, झुकना ही पवेगा, सरकार झुकेगी। हाँ जी, साडा जन अंदोलन देख के सरकार नूं झुकना पैणा। पर मोदी कहिंदे अजे वी अड़िया होया मानदा नहीं? मोदी जित करदा ना, मोदी जित करदा कारपुर घराणिया की कठपुतली बनया आ, उन्होंने को बिकया है, इस करके आ जन जन की जी आवाज है सुनती नहीं। हले माया असं भी सबर नाल टिके रहांगे, जबर का मुकाबला सबर नाल होवेगा। एक होर कहावत आ, मायाधारी अन्ना बोला, ये मायाधारी अन्ने बोले हुए इन्हों दीदी नहीं पबलिक, लेकिन यह पबलिक के पिछों सब कुछ निकलना, ये जो भी ये मतलब जन अंदोलन चल रहा है सारे हिस्सा पा रहे हैं, किसान भी व्यापारी भी सारे आ रहे हैं, इस करके मतलब ये साडा पक्का तहिया साडी पक्का सानू विश्वास है भी ये जिहड़ी जित होनी यकीनी है, क्योंकि 22वें दिन चल गया ये संघर्ष लगातार चलूगा, जिदा की साडी मतलब इस कम्यूनिटी ने साथ दिता, इंटरनेशनल लैवल से सारे साथ दे रहे हैं, इस करके ये संघर्ष। बिल्कुल, पंजाब के पुत पहुँच रहे हैं, पंजाब दी धीआं पहुँच रही ने। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ 'ਚ ਪੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਘਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਘਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ? ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 95% ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਪੋਤਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਦੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।